चैनल एवरीवन। सो आखिर इतने दिनों के बाद मुझे ब्लॉगिंग करने का टाइम मिल रहा है और आज मैं बहुत उतावला हो रहा हूँ क्योंकि दिस इज गोइंग टू बी माई फर्स्ट अनबॉक्सिंग वीडियो। दो चीज़ें हैं अनबॉक्स करने के लिए। सो दिस इज नेविया का स्पोर्ट्स स्केटबोर्ड जिसके बारे में मैं बाद में वीडियो अच्छी तरह से बनाऊंगा। अभी फिलहाल इस वीडियो पे हम बात करते हैं इस बड़े बक्से में क्या है। ओके, नाउ लेट्स ओपन दिस। बैग से पहले आई लव टू एक्सप्लोर दिस। रात के 12 बज रहे हैं, कॉलोनी वाले निकाल देंगे। ओके, टॉकिंग अबाउट दिस बैकपैक, दिस इज रोड गॉड का घोस्ट बैग और दिस इज डेयरिंग टेक्सचर। बेसिकली इसका दो वेरिएंट आते हैं, एक तो प्रीमियम स्मूथ, दूसरा डेयरिंग टेक्सचर। मैं डेयरिंग टेक्सचर लाया क्योंकि दिस कॉस्ट अराउंड 2,200 रुपीज। बेसिकली दिस इज एंटी थेफ्ट बैकपैक। दिस बैग मोर स्पेशल एंड मोर डिफरेंट फ्रॉम अदर यूजुअल बैग। सो सबसे पहले आपको एक प्रोडक्ट मैनुअल मिलेगा। बेसिकली इस पे आपको लिखा है कि किस तरह से आप यूज़ कर सकते हो, किस तरह से आप इसको, और वारंटी कार्ड भी मिलता है। तो बेसिकली आपको ये वारंटी एक्टिवेट करना पड़ेगा जैसे ही आप खरीदते हैं ये बैग। और इसके साथ साथ कुछ टैग्स मिलते हैं। ये टैग्स ये बताते हैं कि और क्या क्या चीज़ें इसके साथ अवेलेबल है, चाहे वो KTM के लिए टैंक बैग हो जाए। आई डोंट नो व्हाट इज दिस, बट ऐसे बहुत सारे चीज़ें रोड गॉड की तरफ से जो प्रोडक्ट है उनके बारे में डिटेल्स मिल जाता है। अब बात करते हैं इसकी क्वालिटी के ऊपर। आई एम डैम श्योर दैट ये टोटली एंटी थेफ्ट बैग है क्योंकि इसका जो मटेरियल है, इसका मटेरियल मुझे बहुत इंप्रेस किया क्योंकि आई डोंट थिंक इसे काटना इतना आसान होगा। हाँ बिल्कुल, इसका काटना इतना आसान नहीं है। मैं हल्का से इस पर चलाया पर मोस्टली छोटे से छोटे बैग जो कोई नॉन कंपनी वाले बैग हो जाते हैं उन पर अगर धीरे से भी आप चाकू चलाओ या फिर ये पेपर कटर चलाओ तो कट जाते हैं, पर ये कटा नहीं। अब इसका देखते हैं इसके अंदर और क्या क्या फीचर्स है। और ऑब्वियसली फीचर्स नहीं, मतलब इस पर काफ़ी सीक्रेट पॉकेट्स है, काफ़ी हिडन पॉकेट्स है। तो लेट्स सी, सबसे पहले अगर देखा जाए तो आपको यहाँ पर गॉड्स का जो सिंबल मिल जाएगा और ये यहाँ घोस्ट। और काफ़ी खास बात ये है कि ये गॉड का जो सिंबल है ये रिफ्लेक्टर सिंबल है। और आप जैसे कि आप देख सकते हैं मैं अभी लाइट मार रहा हूँ और ये काफ़ी चमक रहा है। और सेम चीज़ यहाँ भी है, एक और रिफ्लेक्टर। सो आप अगर रात को गाड़ी चला रहे हैं तो आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा। फिर आते हैं इसके अंदर की तरफ, तो आप देख सकते हैं इसके ऊपर एक भी जगह पे चेन नहीं है। चेन जो है इसका अंदर की तरफ से खुलता है और इट हैज़ ए लॉक। आप जब तक आप ये लॉक नहीं खुलेंगे तब तक ये आप चेन आधे ही खुल सकते हैं। और दोनों तरफ के साइड में इस तरफ भी है और इस तरफ भी। मैंने लॉक खोल दिया है अभी।
Now let's open it. तो सबसे पहले तो आपको अंदर में एक छोटा सा बेलून टाइप तकिया टाइप चीजें मिल जाती है, और एक्टिवेट कर देना चाहिए आपका वारंटी को. कमिंग बैक टू इसके पीछे की तरफ देख सकते हैं काफी सारे पॉकेट्स हैं. सबसे पहले तो यहाँ पे एक पॉकेट जिधर आप अपना सनग्लासेस रख सकते हैं. और मैं बता देता हूँ कि इसका जो चेन का मटेरियल है ये काफ़ी प्रीमियम है, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि आप इसको रफ यूज़ करने के बाद भी आपका कुछ प्रॉब्लम होगा. देन कम्स हिडन पॉकेट्स. यहाँ पे साइड पे आप अपना वाटर बॉटल रख सकते हैं या फिर कुछ भी रख सकते हैं. और सेम लाइज विद दिस साइड ऑल्सो. इस साइड में भी एक वाटर बॉटल रखने की जगह है. फिर आपको जो छोटे पॉकेट्स मिल जाएंगे जहाँ आप अपना कोई भी छोटा मोटा नोटबुक्स या फिर कुछ भी रख सकते हैं. और उसके बाद आ जाता है यहाँ पे साइड पे एक और एक जगह जहाँ पे आप अपना वाटर बॉटल्स भी रख सकते हैं. फिर इस तरफ आने से आपको सबसे पहले मिलता है एक लैपटॉप रखने की जगह. काफ़ी बड़ी जगह है, दो बड़े पॉकेट्स मिलते हैं, ये और ये. और उसके बाद तीन छोटे पॉकेट्स. और इस पे आपको अपने आपका वायर्स अटैच करने के लिए या फिर वायर्स चाहे ईयरफोन हो जाए या फिर किसी तरह से डाटा केबल हो जाए, आप इसे इधर आप सेफ से चिपका सकते हैं या फिर रख सकते हैं. और उसके बाद मिलते हैं आपको एक मेटिंग वाली जगह जहाँ पे आप अपना कुछ भी चीज़ें रख सकते हैं, चाहे वो वॉलेट हो गया या फिर पावर बैंक्स हो गया, तो कुछ भी चीज़ रख सकते हैं. मैं फिलअप करने की कोशिश करता हूँ, फिर दिखाता हूँ कि क्या क्या रख सकते हैं इसके अंदर. सो बैग एक बार पूरी तरह से भर जाने के बाद कुछ इस तरह दिखता है. और दिस इज द टेक्सचर. सो इस तरह कुछ दिखता है बैग को भरने के बाद. अभी देखते हैं इसके अंदर मैंने जो चीज़ें रखी है तो कितनी चीज़ें इस पर आ सकती है. राइट साइड के सीक्रेट हिडन पॉकेट में मैंने रखा था एक टॉर्च और एक फिडजेट स्पिनर. लेफ्ट साइड के सीक्रेट हिडन पॉकेट में मैंने रखा था एक बॉटल. आते हैं तो यहाँ पे मैंने रखा था एक डायरी. उसके बाद मैंने यहाँ पे रखा था अपना कमिंग बैक टू अगर इसमें कितने कपड़े आ सकते हैं, तो मैंने पहला चीज़ रखा था यहाँ पे एक जीन्स. उसके बाद फिर से एक जॉगर पैंट. फिर तीन टी शर्ट्स यहाँ पे रखी थी. और इसके साथ साथ मैंने रखी थी एक मेरे चार्जर, लैपटॉप की चार्जर. उसके बाद लेफ्ट साइड के पॉकेट में मैंने रखा था डिओड्रेंट. राइट साइड के पॉकेट में मैंने रखा था एक पावर बैंक. फिर ऊपर के पॉकेट में मैंने रखा था ये सनग्लासेस. सो इतना ही चीज़ें इसके अंदर आती है. और याद रखिए कि जब भी आप ये बैग खरीदते हैं तो जितना जल्दी हो सके आप इसका कूपन कोड एक्टिवेट कर ले या फिर इसका जो प्रोडक्ट है वो एक्टिवेट कर ले, ताकि आप एक साल की वारंटी मिल जाए. सो आई हैव कंप्लीटेड विद माय एडिटिंग पार्ट ऑफ द वीडियो राइट नाउ रेंडरिंग द वीडियो. और मैं बता देना चाहूँगा कि ये नॉन प्रमोशनल वीडियो है, क्योंकि ये मुझे कोई भी कंपनी ने मुझे स्पॉन्सर नहीं किया, ना कि रोडगार्ड ने स्पॉन्सर किया, ना कि अमेजोन ने स्पॉन्सर किया है. ये टोटली कस्टमर रिव्यू है. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज. इफ यू लाइक दिस वीडियो गिव दिस वीडियो थम्स अप. एंड ऑल्सो इफ यू आर न्यू टू माई चैनल सब्सक्राइब टू माई चैनल. बगल में जो घंटे का ऑप्शन है उसका दबा दो, ताकि आपको इस तरह के नोटिफिकेशन आते रहे जब भी मैं अपना वीडियो अपलोड करूँ. विद दैट सेड, वंस अगेन थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज. लिव योर लाइफ द वे यू लिव. दिस इज बीर साइन आउट. गुड बाय.